हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि और आप देख रहे हैं टेक्निकल सियारा। अपने अपने गांव में या कहीं छोटी छोटी मान्यताएं, रिवाज तो आप देखे होंगे। उन रिवाज और मान्यताओं के पीछे बहुत बड़ा तर्क या साइंटिफिक रीजन छुपा रहता है। इस वीडियो में हम वैसी उसी को लाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देखिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। हिंदू धर्म के अनुसार जब हम किसी से मिलते हैं तब उन्हें राम राम बोलते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम दो बार ही राम क्यों बोलते हैं, एक बार राम क्यों नहीं बोलते, या तीन बार राम राम क्यों नहीं बोलते? इसके पीछे गहरा राज छुपा हुआ है। हिंदी शब्दावली में राम बनता है र और आ की मात्रा और मा से। शब्दावली के अनुसार र है 27वां शब्द, आ की मात्रा है दूसरा शब्द, माँ की माँ है 25वां शब्द। इन सारे को अगर ऐड किया जाए तो बनता है 54, क्योंकि दो बार राम होता है तो 54 × 2 करेंगे तो होता है 108। जब हम कोई माला जाप करते हैं तो 108 मोती गिनकर जाप करते हैं, तो सिर्फ दो बार राम राम कह देने से पूरी एक माला का जाप हो जाता है और इसका हमें फल प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी के पत्ते को कभी चबाकर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि तुलसी जी देवी लक्ष्मी जी के अवतार है और लक्ष्मी जी भगवान विष्णु की धर्म पत्नी है। और इसी बात को भी साइंस और इसी बात को साइंस ने भी अपने भाषे में अलग कहा है। साइंस के मुताबिक तुलसी के पौधे में पारा यानी कि मरकरी होता है और पारा दांत के लिए नुकसानदायक होता है। कच्चा पारा यदि दांत में लग जाए तो दांत गिर जाएंगे, इसीलिए हमारे धर्मशास्त्रों में तुलसी के पत्ते को सीधे न चबाकर निकल जाने को कहा गया है। तो इसीलिए तुलसी के पत्ते को अभी चबाकर ना खाएं, सीधा इसको निकल जाएं और साथ में अपने घर पर एक तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। क्योंकि धार्मिक की बात करें तो तुलसी का पौधा लगाने से घर में सुख समृद्धि और लक्ष्मी जी का वास रहता है, ऐसी मान्यता है। और वही साइंटिफिक रीजन की बात करें तो साइंस के कहने का मतलब है तुलसी का पौधा लगाने से घर में पॉजिटिव एनर्जी यानी सकारात्मक ऊर्जा का बना रहता है और तुलसी के पौधे से दुख दुख रोग दलिद्रता सब कुछ खत्म हो जाती है।